गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपने सीरीज़ का नेक्स्ट टॉपिक जो कि है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। इसमें हम बेसिकली कार्लस लिनियस के जो यूनिवर्सल रूल्स हैं उनके बारे में बात करेंगे और जो उसने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12th जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म लेवल इन द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई भी है उसमें जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हम पढ़ते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होती है। तो जैसा कि इवोल्यूशन चैप्टर से हम पढ़ते आ रहे हैं कि सबसे पहले मॉलिक्यूल्स आए थे बेसिकली, उसके बाद सब सेलुलर लेवल आया था, उसके बाद सेलुलर लेवल आया था। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही बनता है वो है एटॉमिक लेवल सबसे पहले, उसके बाद मॉलिक्यूलर, उसके बाद सब सेलुलर और उसके बाद सेलुलर और लास्ट में जाके इंडिविजुअल बनता है। तो 12th क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 13 देखते हैं विच इज़ द ब्रांच ऑफ द साइंस विच डील्स विद आइडेंटिफिकेशन नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो ये तो डेफिनेशन है टैक्सोनॉमी की कि टैक्सोनॉमी जो एक ब्रांच है जिसमें हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं ऑर्गेनिज्म को, उसके बाद उसका नोमेनक्लेचर और उसके बाद उसको क्लासिफिकेशन कर देते हैं उसके ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल रूल। तो इसमें ऑप्शन बनेगा हमारा डी। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ जाते हैं फर्स्ट स्टेप इन द टैक्सोनॉमीज। तो हमें पता है कि किसी भी चीज़ की टैक्सोनॉमी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन होती है ऑर्गेनिज्म की। तो आइडेंटिफिकेशन जो आएगा हमारा ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर बी। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में व्हाट इज़ ICBN। तो ये आपको पता है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर है ये। तो ये आएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी जिसमें हम बेसिकली प्लांट्स के नोमेनक्लेचर की बात करते हैं। तो ये होता है ICBN के थ्रू। उसके बाद बात करते हैं 16th क्वेश्चन की तरफ फाउंडर ऑफ द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो दिया था वो कार्लस लिनियस ने दिया था। ये ऑप्शन बनता है ए। लिनियल सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन। तो कार्लस लिनियस का जो क्लासिफिकेशन का बेसिस है वो क्या थी, उसमें उसने मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के बारे में बात की थी। तो ये आएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोस्ट नेम्स इन द बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर टेकन फ्रॉम विच लैंग्वेज। तो आपको पता है लैटिन भाषा में जो है बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म का नोमेनक्लेचर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांट्स फॉर गिवन द लैटिन नेम बिकॉज इट इज़ अ। प्लांट्स को बेसिकली लैटिन नेम दिया क्यों गया था, क्योंकि आपको पता है लैटिन भाषा जो है ये डेड लैंग्वेज है, ये टाइम के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आता है दैट इज़ इन द बाइनोमियल सिस्टम ऑफ द टैक्सोनॉमी डेवलप ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी द सेकेंड वर्ड ऑफ ए बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट। तो आपको पता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में बेसिकली दो नाम की बात की जाती है, जीनस और स्पीशीज की। जीनस सबसे पहले लिखा जाता है, स्पीशीज उसके बाद में। तो इसमें सेकेंड वर्ड पूछ रखा है तो इसमें ऑप्शन बनेगा ए। बात करते हैं 21 क्वेश्चन की विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द यूनिवर्सल रूल इज इनकोरेक्ट। तो इनकोरेक्ट निकालने हमें तो सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन नंबर ए। बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन द लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स, सही है। ऑप्शन बी द फर्स्ट वर्ड इन द बायोलॉजिकल नेम जीनस होता है और सेकंड स्पीशीज, ये भी बात बिल्कुल सही है। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर सी बोथ द वर्ड्स इन द बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर अंडरलाइन और प्रिंटेड इन इटैलिक्स, बिल्कुल सही है। और द स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि स्पेसिफिक एपिथेट जो है वो आपका स्मॉल लेटर में लिखा जाता है और जो जीनस होता है वो कैपिटल में। तो इसका ऑप्शन बनेगा डी। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ जाते हैं सेलेक्ट द करेक्टली रिटन बोटैनिकल नेम। बोटैनिकल नेम हमने या जोलॉजिकल नेम हमने देखना है कि कौन सा सही है। तो होमो सेपियंस दे रखा है तो सेपियंस में कैपिटल लेटर है तो ये गलत है। पैंथरा टिग्रिस इसमें पी कैपिटल है और टी जो है वो स्पेसिफिक है तो ये स्मॉल लेटर में है तो ये ऑप्शन बी बनेगा। ऑप्शन सी गलत है, ऑप्शन डी भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 23 के तरफ जाते हैं सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द बायोलॉजिकल नेम इट इज़ बाइनोमियल, बिल्कुल सही है। डिस्क्रिप्टिव है, यूनिवर्सल है तो ये तीनों ऑप्शन हमारे सही हैं। तो इसमें ऑप्शन बनेगा डी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ जाते हैं इसमें फाइकस बेंगलेंसिस का नाम दे रखा है बेनियन ट्री का और लास्ट में एल लिख रखा है। तो आपने यूनिवर्सल रूल्स में पढ़ा होगा कि एल जो है वो इंडिकेट करता है बेसिकली इसका टैक्सोनॉमिस्ट को, जो कि इसका टैक्सोनॉमिस्ट है कार्लस लिनियस।
उसमें ऑप्शन सी बनता है, लेटर एल सिग्निफाइज अ टैक्सोनोमिस्ट लिनियस। अगर क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ जाते हैं, द थर्ड नेम इन द ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, एक बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है जिसमें आप जीनस और स्पीशीज के बारे में बात करते हैं, और एक ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर होता है जिसमें उसकी सब स्पीशीज भी लिखी जाती है, तो इसमें 25 का आंसर आएगा सी। अगर क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ जाते हैं तो क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन सिस्टम है मैनी एडवांटेजेस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गोल ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो हमने इसमें ये बताना कि कौन सा गोल नहीं है। तो ऑप्शन देखते हैं, टू डिपिक्ट द कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, टू क्लैरिफाई द रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म, ये सही है, टू हेल्प अस रिमेंबर द ऑर्गेनिज्म एंड देयर ट्रेट, ये भी सही है, टू आइडेंटिफाई एंड नेम द ऑर्गेनिज्म, तो ये तीन ऑप्शन लास्ट वाले सही हैं, ऑप्शन ए जो है यहाँ पे गलत है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्लांट टैक्सोनॉमी, प्लांट टैक्सोनॉमी का मेन जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, टू स्टडी द वर्ल्ड फ्लोरा, टू प्रोवाइड अ मेथड फॉर आइडेंटिफिकेशन, टू प्रोवाइड एन साइंटिफिक नेम एंड ऑल ऑफ दिस, तो ये बेसिकली सारे ये यहाँ पे ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हैं, तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पे सही आंसर है। बात करते हैं 28th क्वेश्चन की, द मेन पर्पज ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म को हम क्लासिफाई करते हैं उसका मेन पर्पज क्या होता है, टू स्टडी द ज्योग्राफी, ये नहीं लग रहा है, टू लोकेट द प्लांट एंड एनिमल्स, ये भी नहीं लग रहा है, एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप अमंगस द ऑर्गेनिज्म, और ऑप्शन दे रखा है डी, स्टडी द इवोल्यूशन। तो यहाँ पे जो करेक्ट जो मेन पर्पज यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज द एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप अमंगस द ऑर्गेनिजम्स। क्वेश्चन 29th की तरफ जाते हैं, हु रोट द स्पीशीज प्लांटेरम एंड प्रोवाइड अ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, तो स्पीशीज प्लांटेरम किसके द्वारा लिखी गई थी, कार्लस लिनियस के द्वारा। कार्लस लिनियस कहाँ से बिलोंग करता था, तो ये था आपका स्वीडिश साइंटिस्ट थे कार्लस लिनियस, यहाँ पे स्वीडन से बिलोंग करते थे ये, 30th का ऑप्शन बनेगा सी। बात करते हैं 31 क्वेश्चन की तरफ, तो जो कि है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वॉज कंट्रीब्यूटेड बाय द कार्लस लिनियस, तो कार्लस लिनियस के द्वारा लिखी गई थी सिस्टमा नेचुरे और सिस्टमा प्लांटेरम, तो यहाँ पे जो ऑप्शन बनेगा ये बनेगा आपका ऑप्शन ए। बात करते हैं 32 क्वेश्चन की तरफ, द इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज डेवलप्ड इन हिज बुक, ये जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है ये कौन से बुक में दिया गया था, तो ये फिलोसफी बोटेनिका में कार्लस लिनियस ने इसको दिया था। ऑप्शन 33 की तरफ जाते हैं, लिनियस डिस्क्राइब द 5900 स्पीशीज ऑफ द प्लांट्स, प्लांट्स की जो स्पीशीज थी उसके बारे में उसने बताया था स्पीशीज प्लांटेरम बुक में, क्योंकि प्लांट्स के लिए थी एक बुक, और सिस्टमा नेचुरे जो थी वो एनिमल्स की क्लासिफिकेशन की थी, तो इसमें ऑप्शन बनेगा डी। बात करते हैं 34th क्वेश्चन की तरफ, एन इंग्लिश नेचुरलिस्ट हु रोट द बुक हिस्टोरिया जनरलिस प्लांटेरम, ये किसने लिखी थी, ये जॉन रे ने दी थी, क्योंकि स्पीशीज वर्ड इंट्रोड्यूस जो किया था वो जॉन रे ने किया था, इसमें ऑप्शन बनेगा बी। सेकंड लास्ट के क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, मैच द कॉलम वन एंड कॉलम टू, ये बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो था वो किसने दिया था, ये बेसिकली कार्लस लिनियस का था। द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये कई बार पूछा गया है, तो ये बेसिकली अर्नेस्ट मेयर को बोला गया था। फादर ऑफ बॉटनी, ये आपको पता थियोक्रेस्टस है, और जो आपकी फादर ऑफ मेडिसिन है वो हिप्पोक्रेट्स हैं, तो यहाँ से जो ऑप्शन हमारा बन के आता है दैट इज ऑप्शन ए। बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ इस टॉपिक के, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकोरेक्ट रिगार्डिंग द मॉडर्न टैक्सोनॉमी, मॉडर्न टैक्सोनॉमी के हिसाब से कौन सी बात जो है वो बेसिकली यहाँ पे इनकोरेक्ट बताई गई है, तो इट डील्स विद द बायोलॉजिकल स्पीशीज, बिल्कुल सही है, इट इज़ बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ द टाइप्स ऑफ द वेरिएशन इन द स्पीशीज, ये बात सही है, स्पीशीज इज कंसीडर्ड टू बी स्टैटिक, तो ये बात जो है मॉडर्न टैक्सोनॉमी के हिसाब से गलत है, क्योंकि स्पीशीज को जो है वो डायनेमिक नेचर के बेसिस पे लिया जाता है, क्योंकि स्पीशीज होती है बेसिकली डायनेमिक होती है, तो यहाँ पे जो 36 क्वेश्चन का आंसर बनता है वो है ऑप्शन सी। तो गाइस आई थिंक कि हमारा ये डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया है, इसी हिसाब से हम इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन जो हैं वो वन बाय वन जो है सॉल्व करेंगे, और अगर कोई टॉपिक अगर आपको बायोलॉजी में जिसमें दिक्कत आती है उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और उसको जो है वो जल्दी से जल्दी जो है वो मैं आपको बता दूंगा। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा,
और पसंद आया तो इसको लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स।